पठान मूवी पर आया एक्टर मनोज बाजपेयी का शॉकिंग रिएक्शन, आइए जानते हैं उन्होंने पठान के बारे में क्या कहा। पठान इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, पठान ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे के कलेक्शन में ही KGF 2 और वॉर को पीछे छोड़ दिया था और वर्ल्ड वाइड तो इसने ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमाए थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि फिल्म के मेकर्स और लीड हीरो SRK ने इस फिल्म का प्रमोशन भी नहीं किया था, फिर भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दरअसल पठान के गाने को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पठान भी लाल सिंह चड्ढा की तरह फ्लॉप हो जाएगी और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि पठान SRK की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी होगी। लेकिन जैसा कि SRK ने कहा था, अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, मौसम बेकाबू हो ही गया। वैसे शाहरुख की इस इम्पॉसिबल सक्सेस के बाद अब कई बॉलीवुड एक्टर्स के इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। पठान पर अब मनोज बाजपेयी का भी रिएक्शन आया है। दरअसल जब एक मीडिया पर्सन ने मनोज से पूछा कि पठान मूवी को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आपका इस पर क्या कहना है, तो मनोज सर ने सीधा इग्नोर करके कहा कि मेरी भी फिल्म आ रही है गुलमोहर, आप उसे देखिए, और फिर सवाल पर वापस आ गए और कहा कि पठान की सक्सेस के लिए सबको बधाई है, लेकिन हाँ, मेरी गुलमोहर मूवी को भी इतना ही सक्सेसफुल बनाना। मनोज बाजपेयी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे कि आपने पठान देखी है कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।